अंग्रेजन बहू की घमंडी जेठानी। सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई, नाम जलेबी बाई, आहा जलेबी बाई, आहा जलेबी बाई। रात के वक्त श्रेया हल्के से शराब के नशे में घर लौटती है और देवरानी को आवाज लगाने लगती है। जेनी, ओ जेनी, अरे कमबख्त अभी सो रही है क्या? मुझे खाना कौन ला कर देगा? जेनी, ओ जेनी। जेनी श्रेया की अंग्रेजन देवरानी होती है, लेकिन बेचारी की किस्मत बहुत खराब थी क्योंकि उसकी शादी के बाद उसके पति अनुराग को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था। इस विलायती की इतनी औकात कि ये मेरे बुलाने पर भी नहीं आ रही, आज इसकी खैर नहीं। ऐसा सोचने के बाद श्रेया नशे की हालत में जैनी के कमरे में जाती है और उसके सोते हुए ही जोर से बाल पकड़ लेती है, जिसके चलते बेचारी जैनी को दर्द होने लगता है। छोड़ दीजिए मेरे बाल, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। मुझे खाना परोसे बिना ही तू सोई कैसे? तेरी इतनी हिम्मत? आप ही का तो इंतजार कर रही थी, इंतजार करते करते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। आजकल तेरी आंख बहुत लग रही है, अब तो तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। श्रेया ऐसा कहने के बाद जैनी के बाल पकड़कर उसे खींचते हुए घर से बाहर ले आती है और उसे रात के 2 बजे घर से बाहर निकाल देती है। जैनी दरवाजा बजाने लगती है। जेठानी जी, जेठानी जी, दरवाजा खोलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। जेठानी जी, दरवाजा खोलिए। कमीनी वलायती चिड़िया के कुछ ज्यादा ही पर आ रहे हैं, अब रात भर जब बाहर पड़ी रहेगी तो अच्छा सबक मिलेगा उसको। ऐसा सोचकर वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। तभी बेचारी जैनी को कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है और वो रोने लगती है। कोई तो दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। जेठानी जी, दरवाजा खोल दीजिए। माँ जी, कहाँ हो आप? जैनी की हालत बहुत बुरी होती है, जिसके चलते रसोई की खिड़की से कूदकर ममता जैनी के पास आ जाती है। जैनी, जैनी, रोने की जरूरत नहीं है बहू, देख मैं आ गई, चल मैं तुझे अंदर लेकर चलती हूँ। ममता खिड़की की ही मदद से जैनी को घर के अंदर ले आती है, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, ममता रसोई में नाश्ता बना रही होती है तो बेचारी जैनी घर के सोफों की डस्टिंग कर रही होती है। तभी श्रेया नींद से जाकर हॉल में आती है। ओहो, इस वलायती कितनी हिम्मत की ये घर के अंदर घुस आई, इसको इस घर में लाने वाला और कोई नहीं, एक ही इंसान हो सकती है। श्रेया सीधा रसोई में जाती है और ममता से कहती है, जैनी को घर के अंदर कौन लाया? वो बहू, सुबह जब मैंने दरवाजा खोला तो बेचारी बाहर सिसक सिसक के रो रही थी, मुझे इस पर दया आ गई और मैं इसे अंदर ले आई। श्रेया ये सुनते ही ममता का हाथ पकड़ती है और गरम गरम तवे पर रख देती है। क्या कहा, सुबह या फिर रात को ही तुम इसे अंदर ले आई थी? अरे बहू, ये क्या कर रही है, मेरा हाथ जल रहा है, छोड़ दे, मेरा हाथ छोड़ दे, आखिर तू ये क्या कर रही है? ममता दर्द में तड़पने लगती है। कुछ देर उसे दर्द में देखने के बाद श्रेया ममता का हाथ छोड़ देती है। इस घर को मैं अपने पैसों से चला रही हूँ, इस घर में अगर किसी ने भी मेरे रास्ते में टांग अड़ाई तो उसके लिए मुझसे बुरा और कोई हो ही नहीं सकता। आइंदा अगर दोबारा ऐसा किया तो सोच लेना। और सुनो, शाम को यहाँ मैंने एक पार्टी रखी है, सभी मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखना। ऐसा गुस्से में कहने के बाद श्रेया अपने कमरे में जाती है और छोटे छोटे कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो अपने पति से पूछती है, बताओ राघव, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे तुम तो बहुत सुंदर और प्यारी लग रही हो, लेकिन ये कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे नहीं है? पता था ऐसे ही बोलोगे। अरे तुम्हें भी मुझे खुश देख कर खुशी नहीं होती। क्या ये ड्रेस अरमानी की है? और स्टॉक में सबसे पहले मैंने खरीदी है। अरे वाह श्रेया, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम सुंदरता की मूरत लग रही हो। राघव अपनी घमंडी पत्नी, जो कि रंगत से भी सांवली थी, वो उसकी बहुत तारीफ करता है, लेकिन मन ही मन उसे कोसने भी लगता है। अरे ये काली घमंडी चुड़ैल भला कभी अच्छी लग सकती है? कोई इसे बताए कि इसका घमंड और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्या तुमने कुछ कहा? अरे मेरी जान, भला मैं कुछ कह सकता हूँ? ऐसा नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, वैसे आज कुछ खास है क्या जो तुम इतने तैयार हुई हो? अरे हाँ,
आज मेरे सभी अमीर दोस्त घर पर आएंगे। मैंने अपने घर पर एक पार्टी रखी है। शाम की पार्टी के लिए तैयार हो जाना और सुनो, अपने छोटे भाई को बोल देना कि वेटरों की जगह काम कर लेगा। मैं उसको कुछ पैसे दे दूंगी। ये सब दरवाजे के बाहर जैनी खड़ी होकर सुन लेती, जिसके बाद वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर अनुराग भी होता है। क्या हुआ जैनी, क्यों रो रही हो तुम? इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं, हम जेठानी जी की नजरों में नौकरों से भी गिरे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि हम ये घर छोड़कर यहाँ से माँ जी को अपने साथ ले जाएं और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करें। तुम तो जानती ही हो हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर घर छोड़ दिया तो भूखे मर जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अनुराग जैनी के आंसू पोंछता है। चिंता मत करो जैनी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जैनी अनुराग की बात मान लेती है, जिसके बाद देखते ही देखते शाम हो जाती है और श्रेया के सभी नशेड़ी दोस्त घर पर आ जाते हैं। उनका घर किसी डिस्को से कम नहीं लग रहा था। श्रेया के सभी दोस्तों ने पी रखी होती है और सभी तीन पत्ती खेल रहे थे। और मैं जीत गई, ये लो देखो मेरे कार्ड, ये सब पैसे अब मेरे हुए। श्रेया नशे में सब कुछ हार चुकी थी, आखिर में उसका घर रह गया था। वही श्रेया को अपनी हार मंजूर नहीं होती और वो अपना घर भी दांव पर लगा देती है। गेम अभी खत्म नहीं हुई, मैं अपना ये घर दांव पर लगाती हूँ। श्रेया तुझे चढ़ गई, ऐसी बहकी बहकी बातें मत कर, घर को दांव पर लगा दिया तो कुछ नहीं बचेगा। श्रेया किसी की नहीं सुनती और वो फिर से अपना घर हार जाती है। आखिरकार ये घर भी मेरा हुआ, मैं जीत गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये घर मेरा है। लेकिन अब नहीं है, जाओ चली जाओ अब तुम यहाँ से। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अरे यह ऐसे नहीं मानेगी। तो यहाँ खड़े हुए मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इसे निकाल फेंको यहाँ से। अंजलि के कहने पर चिराग और सुरेश श्रेया को घर से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। ये सब जैनी सबको करते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो अंजलि के सामने आकर बैठ जाती है और कहती है, मेरी जेठानी को तो हरा दिया, मुझे हरा पाओ तो मानू। अच्छा, तो जैसे गरीब के पास दांव पर लगाने के लिए क्या है? जैनी अपने गले से मंगलसूत्र उतारती है और दांव पर लगा देती है, जिसके बाद वो तीन पत्ती खेलना शुरू करती है। अपने सुहाग की निशानी से ही वो धीरे धीरे अपनी जेठानी का हरा हुआ सब वापस जीत लेती है। ओह गॉड, ये नहीं हो सकता। अब तुम इस घर से अभी के अभी निकल जाओ और आज की पार्टी यहीं खत्म होती है। जहाँ बेचारी जैनी के पास कुछ भी नहीं था, वहीं अब जैनी के पास बहुत कुछ था। जब श्रेया को अगले दिन सुबह इस बात का पता चलता है तो उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वो सुबह सबसे पहले अपनी अंग्रेजन देवरानी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो जैनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तेरी गलतियां माफ करने के लायक ही नहीं है। अरे जिस दौलत पर तुझे घमंड था, आज वो दौलत तेरे पास भी नहीं है। छोड़िए माँ जी, जो हुआ सो हुआ, श्रेया दीदी मेरी जेठानी है और इस घर पर उनका भी हक है। जैनी के समझाने पर घर वाले मान जाते हैं और श्रेया को घर में आने देते हैं। उस दिन के बाद से श्रेया बहुत ज्यादा सुधर जाती है और अपनी अंग्रेजन देवरानी के साथ अच्छे से रहने लगती है। रात का समय होता है, खुशी अपने बिस्तर पर सो रही थी, तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वह गर्मी से परेशान होकर अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ मुझे नींद नहीं आ रही, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, माँ इस हाथ वाले पंखे से मेरी थोड़ी हवा कर दो। आजा मेरी प्यारी बच्ची, मैं तेरी हवा कर देती हूँ। पूनम ऐसा कहने के बाद खुशी को अपने पास लेटा लेती है और वह हाथ वाले पंखे से पूरी रात खुशी को हवा करती रहती है, जिसके चलते खुशी तो आराम से सो जाती है, लेकिन उसकी माँ पूरी रात परेशान हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, पूनम सभी के लिए चूल्हे पर खाना बना रही होती है और दूसरी तरफ गर्मी के मारे उसका पसीना निकल रहा होता है। भगवान, कितनी गर्मी हो रही है, इतनी सड़ी गर्मी के चलते चूल्हे पर खाना बनाना दुश्वार हो गया है। अरे राजू के पिताजी, क्यों ना आप घर में एक पंखा ही लगवा लो। अरे चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मैं जितना कमाता हूँ उसमें से घर का खर्चा ही चल पाता है, अगर मैंने पैसे खर्च किए तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं। खैर छोड़िए, ये लीजिए कुछ खा लीजिए। पूनम प्रमोद को खाना खिला देती है, जिसके बाद प्रमोद काम करने के लिए अपना झोला उठाता है और काम करने निकल जाता है। कोशिश करता हूँ कि अब ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं, ताकि मालिक मुझे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे सके।
प्रमोद फावड़ा उठाकर काम करना शुरू कर देता है। तेज गर्मी की वजह से उसका पूरा शरीर पसीना छोड़ देता है और उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। हे भगवान, इतनी गर्मी में तो रुका भी नहीं जा रहा, अब और काम करने की हिम्मत भी नहीं है मेरे शरीर में। प्रमोद गर्मी से तड़पता हुआ थोड़ी देर रुक जाता है, तभी उसका मालिक हीरानंद उसके पास आता है और कहता है, अरे जल्दी जल्दी काम कर, अगर समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो दिहाड़ी पूरी नहीं मिलेगी, समझा क्या? मालिक, मैं समझ गया हूँ, इतनी धूप गर्मी के कारण जरा भी रुका नहीं जा रहा है, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ी सी हवा खाते ही काम दोबारा शुरू कर लूंगा। कोई समय नहीं है तेरे लिए, तेरा रोज रोज का यही ड्रामा होता है, जल्दी से काम करना शुरू कर दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हीरानंद की ये बात सुनकर बेचारा प्रमोद गर्मी में काम करता रहता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और सभी लोग अपना काम खत्म कर लेते हैं, लेकिन प्रमोद का काम खत्म नहीं होता। और पूरे एक घंटे बाद जब वह अपना काम खत्म करके अपने मालिक हीरानंद के पास पैसे लेने आता है तो वह कहता है, तू इतनी देर से काम खत्म कर पाया, अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, मैंने सभी को पैसे दे दिए हैं, अब मेरे पास पैसे नहीं बचे, अपने हिस्से के पैसे तू कल ले जाना। अरे मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरे बच्चे भूखे प्यासे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा। देख प्रमोद, मेरे पास पैसे नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, तुझे कल का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कहने के बाद हीरानंद वहां से चला जाता है और बेचारा प्रमोद मायूस होकर वापस अपने घर की तरफ लौटने लगता है। तभी उसे रास्ते में कूलर की दुकान दिखाई पड़ती है। अरे काश कि मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं एक कूलर अपने घर के लिए खरीद पाता। प्रमोद ऐसा सोचकर बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक रास्ते में छोटा सा कूलर पड़ा हुआ नजर आता है। अरे ये क्या, ये कूलर किसका है, कोई आसपास भी दिखाई नहीं दे रहा। प्रमोद थोड़ी देर तक उस कूलर को और आते जाते लोगों को देखता है, लेकिन उसे उसका मालिक कहीं नजर नहीं आता, जिसके बाद वो उस कूलर को उठाकर अपने घर ले आता है। अब इस कूलर को ही ठीक करवाकर घर पर चलाने के लिए दे दूंगा, पूरी रात मच्छर और गर्मी में सोना पड़ता है। प्रमोद जैसे ही पुराना कूलर घर पर लेकर आता है तो सब खुशी से पागल हो जाते हैं। अरे वाह पिताजी, आप तो सच में कूलर उठाकर ले आए हो, अब तो हमें रात को गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा। ये तो इसके चलने के बाद ही पता चलेगा। जैसे ही प्रमोद उसका तार लगाता है, कूलर के अंदर कोई भी हलचल महसूस नहीं होती, इसका मतलब है कि वो खराब होता है। आखिरकार हमारी गरीबी की तरह ये कूलर भी हमें धोखा दे गया, अब एक काम करूंगा, इसे कल कबाड़ी को ही बेच दूंगा। ये सब तो ठीक है, ये बताइए आप सब्जियां नहीं लेकर आए हो, खाने के लिए क्या बनाऊं? मालिक ने आज हमें पैसे नहीं दिए, एक काम करो, रोटी और चटनी ही बना लो। पूनम रोटी और चटनी बना लेती है, जिसके बाद वो सभी चटनी रोटी खाकर सो जाते हैं। रात को उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, देखो गर्मी की वजह से मेरे घमौरी भी हो गई हैं। अब मैं क्या करूं बेटी, रुक मेरे पास एक उपाय है। पूनम अपनी एक चुन्नी पानी में भिगोकर लाती है और उसे अपनी बेटी को ओढ़ा देती है, जिसके बाद उसे हल्की हल्की ठंडक महसूस होती है। अरे वाह माँ, अब तो अच्छी नींद आएगी। वे सभी सो जाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, कूलर के अंदर से एसी की ठंडी ठंडी हवा निकलनी शुरू हो जाती है। अरे ये ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है, मानो जैसे किसी ने एसी चला दिया हो। प्रमोद की नजर अचानक से उस खटारा पुराने कूलर के ऊपर पड़ती है, जिसके अंदर से एक अजीब सी पीले रंग की रोशनी निकल रही होती है। इस कूलर के अंदर से रोशनी कैसे निकल रही है, और इस कूलर के अंदर से ऐसी एसी जैसी ठंडी हवा कैसे निकल रही है, जबकि ये तो खराब है। ये देखने के बाद प्रमोद कूलर के पास जाता है और उसे कुछ देर तक देखता ही रह जाता है। तभी अचानक से उस कूलर के मुंह आंख नाक बन जाते हैं। बताओ कैसी लगे मेरी ठंडी ठंडी हवा, ऐसी हवा तुमने कभी नहीं खाई होगी। कूलर को बात करते हुए देख प्रमोद हैरान रह जाता है। अरे तुम इस तरह बात कैसे कर सकते हो, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई मामूली कूलर नहीं बल्कि जादुई कूलर हूँ, क्योंकि मैं परी लोग से सीधा यहाँ आकर गिर गया। तभी पूनम और खुशी की आंख खुल जाती है और वह दोनों प्रमोद को कूलर से बात करते हुए देख लेते हैं। पिताजी आप एक कूलर से बात कर रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। क्या ये सच में कूलर है, कहीं मैं कोई चमत्कार तो नहीं देख रही।
जादुई कूलर की ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। जादुई कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाकर वह तीनों बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो पूरी रात आराम से सोते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, खुशी जादुई कूलर के पास आती है और कहती है, जादुई कूलर, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी से अपनी ठंडी ठंडी हवा से मुझे ठंडा कर दो। खुशी के इतना कहते ही जादुई कूलर अपना कमाल नहीं दिखा पाता, जिसकी वजह से पूनम और प्रमोद समझ जाते हैं। अरे लगता है ये जादुई कूलर केवल रात के समय ही अपना जादू दिखा पाता है, दिन के समय ये एक साधारण खटारा कूलर बन जाता है। हाँ मुझे भी यही लगता है, चलिए आप काम पर चले जाइए, नहीं तो देरी हो जाएगी और मालिक से पैसे लेना मत भूलना। पूनम की बात सुनकर प्रमोद काम पर निकल जाता है। वह पूरे दिन मेहनत करता है, जिसके बाद शाम को उसको पैसे भी मिल जाते हैं। उन पैसों से घर का राशन ले आता है और कुछ पैसे बचा लेता है। पूनम, आज तो मैंने कुछ पैसे बचा भी लिए और कुछ पैसों का सामान भी ले आया हूँ। खुशी सुबह से शाम तक कूलर के चलने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन कूलर चलता ही नहीं। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और जब 12 बजते हैं तो जादुई कूलर अपने आप ठंडी ठंडी हवा देने लगता है, जिसके चलते खुशी की नींद खुल जाती है। आखिरकार तुम चलने लगे, मैंने पूरा दिन तुम्हारे चलने का इंतजार किया, तुम पूरे दिन क्यों नहीं चल रहे थे? क्योंकि दिन के समय मेरी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती हैं और मैं केवल तुम्हें रात को ही आनंद दे सकता हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से हमारी रात को नींद खराब नहीं होती, हमारे लिए इतना ही काफी है। उस दिन के बाद से खुशी अपने माता पिता के साथ जादुई कूलर की ठंडी ठंडी हवा में रात भर चैन की नींद सोती है।